फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माइलो फैमिली चैनल में। इनफर्टिलिटी तब डायग्नोज होती है जब कोई कपल लगभग एक साल से कंसेप्शन के लिए ट्राई कर रहा हो और उसके बाद भी रिजल्ट पॉजिटिव ना आए। अगर फीमेल पार्टनर को कंसीव करने में दिक्कत आ रही है तो उसका एक कारण इनफर्टिलिटी भी हो सकता है। इसे मेडिकल साइंस में फीमेल इनफर्टिलिटी के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए आज के इस वीडियो में हम इसके सिम्टम्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। वैसे अगर आप फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं या फिर प्रेगनेंसी के खूबसूरत सफर में ऑलरेडी कदम रख चुके हैं या एक नन्ही सी जान को जन्म दे चुके हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से माइलो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। माइलो ऐप पर आप फ्री में कई सारे इंपॉर्टेंट टूल्स को एक्सेस कर सकते हैं और एक्सपर्ट से बात भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ और भी बहुत कुछ है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। What are the types of female infertility? फीमेल इनफर्टिलिटी दो प्रकार की होती है, जैसे कि प्राइमरी इनफर्टिलिटी, जब कोई महिला कभी भी प्रेग्नेंट ना हुई हो और एक साल से ज्यादा टाइम से कंसेप्शन के लिए ट्राई कर रही हो लेकिन फिर भी अनसक्सेसफुल हो, तो उसे प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, पहली सक्सेसफुल प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के बाद जब आप दोबारा प्रेग्नेंट होने में बाधाएं महसूस कर रहे हो तो उसे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। इनफर्टिलिटी एक कॉमन डिसऑर्डर है और लगभग 10% महिलाएं इससे सफर करती हैं। महिलाओं की बढ़ती हुई उम्र के साथ उनकी इनफर्टिलिटी भी बढ़ जाती है। What are the risk factors for infertility? इनफर्टिलिटी के बढ़ने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक यानी कि इनहेरिटेड ट्रेट्स, लाइफस्टाइल चॉइसेस, एज और जनरल हेल्थ कंडीशंस। कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स इस प्रकार के हैं, जैसे कि ओबेसिटी या फिर अंडरवेट होना, हार्मोनल इश्यूज जो ओव्यूलेशन में बाधा पैदा करते हैं, एज 30 के बाद फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे कि लपस, हैशिमोटो डिसीज और रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, इंटेंस एक्सरसाइज, ओवेरियन सिस्ट, ट्यूमर्स, यूटरिन फिब्रॉइड्स, स्मोकिंग, प्राइमरी ओवरी इंसफिशिएंसी, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, ओवरीज, यूट्रस और फिलोपियन ट्यूब के साथ फिजिकल प्रॉब्लम्स, एंडोमेट्रोसिस, एसटीआईज, जिनसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज हो, पास्ट इक्टोपिक प्रेगनेंसी। फीमेल इनफर्टिलिटी सिम्टम्स एवरी वुमन शुड नो। फीमेल इनफर्टिलिटी के सिम्टम्स जो हर महिला को पता होने चाहिए ताकि वो समय पर उसे डायग्नोस करवा सके और उनका ट्रीटमेंट शुरू करवा सके, कुछ इस प्रकार होते हैं। इरेगुलर पीरियड्स, आमतौर पर एक महिला की नेचुरल मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 से 30 दिनों की होती है, लेकिन कुछ महीनों के पीरियड्स या मंथ में कई बार आ जाते हैं या फिर 32 दिनों के बाद भी नहीं आते। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है या स्किप हो रही है तो ये एबनॉर्मल साइकिल है। 21 दिनों से कम और 35 दिनों के बाद होने वाली एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के मुख्य कारण PCOS या फिर PCOD या फिर हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं। इसे आप बिल्कुल भी लाइटली ना लें और कुछ ही मंथ्स में ऑब्जर्व करके अपने गायनो से जरूर मिलें। पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स, हालांकि सेक्स बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होना चाहिए लेकिन अगर आपको कोई भी फिजिकल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो आपका सेक्सुअल एक्सपीरियंस प्लेजरेबल होने की बजाय पेनफुल हो सकता है। अंडरलाइंग कंडीशन जैसे कि फिब्रॉइड, एंड्रोमेट्रोसिस, STDs, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस, प्रॉब्लम्स विद यूट्रस और सर्विक्स इसका कारण हो सकती है। हार्मोन फ्लक्चुएशंस, बहुत से हार्मोन्स फर्टिलिटी को इंपैक्ट करते हैं, जैसे कि प्रोलैक्टिन, ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड हार्मोन, फॉलिसल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इनफर्टिलिटी का मुख्य कारण हार्मोनल इंबैलेंस होता है और इससे कई और प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि रिड्यूस्ड सेक्स ड्राइव, एक्ने और स्किन ट्रबल, फेशियल हेयर ग्रोथ, थिनिंग हेयर और द स्कैल्प, अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन या फिर अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। पेनफुल पीरियड्स, ज्यादातर महिलाओं को पीरियड्स के दौरान पेल्विक क्रैम्प होते हैं। वैसे तो ये पेन ब्यूरेबल होते हैं अगर हीट कंप्रेस यूज किया जाए, लेकिन अगर ये पेनफुल क्रैम्प्स आपकी डेली लाइफ को हैम्पर करते हैं और इसके साथ आप हैवी ब्लड फ्लो एक्सपीरियंस भी करते हैं तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इस प्रॉब्लम को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें क्योंकि ऐसा एंडोमेट्रियोसिस की वजह से भी हो सकता है। कई बार पुअर क्वालिटी एग्स और अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कॉजेस के कारण भी महिलाओं को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। डायग्नोसिस एंड टेस्ट, अगर काफी लंबे समय से नेचुरल और अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो तो यकीनन आपके डॉक्टर को कुछ आपके ऊपर टेस्ट करने की
परमिशन लेंगे जिनसे इनफर्टिलिटी को डायग्नोस किया जा सके और उनका करेक्ट ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सके। कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट या स्कैन्स इस प्रकार के होते हैं, जैसे कि ओव्यूलेशन टेस्टिंग, लैप्रोस्कोपी, हाइस्ट्रोसेल पिंजियोग्राफी, ब्लड टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट, प्रिवेंशन। जेनेटिक फैक्टर्स और कुछ बीमारियों के कारण होने वाली इनफर्टिलिटी को रिवर्स करना मुश्किल होता है, लेकिन अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाकर इनफर्टिलिटी को प्रिवेंट किया जा सकता है, जैसे कि प्रैक्टिस सेफ सेक्स ताकि एसटीडी का खतरा ना हो। कभी भी किसी भी प्रकार के ड्रग का इस्तेमाल ना करें, स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ दें, अल्कोहल कंजप्शन को लिमिट कर दें, पर्सनल हाइजीन को अच्छा रखें, हेल्दी हैबिट्स को अडॉप्ट करें, गायनोकोलॉजिस्ट से रेगुलर ट्रीटमेंट्स और उनके पास रेगुलर विजिट्स रखें, स्पेशली जब आप सेक्सुअली एक्टिव हो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट सेक्शन में हमें अपने विचार जरूर बताएं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। माइलो फैमिली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि टाइम टू टाइम हमारी तरफ से आपको नोटिफिकेशन आते रहें।